हेलो एवरीवन, आइए आज मैं आप लोग को एक हेयर पैक बताती हूँ जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही सही है और ये आपके बालों को साथ सिर को भी बहुत ही ठंडा रखेगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, आंवला रीठा और सिकाकाई मैं यूज़ कर रही है। ये देख सकते हो मैं खड़ा यूज़ कर रही हूँ। आप लोग मेरे घर जितनी भी वीडियो देखते हो गए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं हर वीडियो में खड़ा यूज़ करती हूँ, मैं कभी पाउडर फॉर्म यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे पाउडर पर बिलीव नहीं होता, इसलिए मैं कभी पाउडर फॉर्म यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा खड़ा ही यूज़ करती हूँ। और आंवला रीठा सिकाकाई जो है इसे और रीठा जो है वो मैंने सिर्फ एक ही लिया है, और आंवला और सिकाकाई जो है मैंने बराबर मात्रा में लिया है, 50-50 ग्राम मैंने लिया है। तो आप लोग आंवला और सिकाकाई की मात्रा बराबर रखिएगा और रीठा जो है सिर्फ एक ही रखिएगा। अगर आप लोग के बाल बहुत बड़े हैं तो दो रख सकते हो, छोटे हैं तो सिर्फ एक ही सफिशियंट है। ये मैंने डिप करके रख दिया है, इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी यूज़ किया हुआ था। ये भी मैं आप लोग को बोतल दिखाती हूँ कि मैंने, ये देखिए 1 लीटर का बॉटल है ये मेरा, मैंने पूरा कपड़ा इसमें पानी यूज़ कर लिया था क्योंकि इसको हम लोगों को पीसना भी, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे और पीसने में पानी जो है इसको ज़्यादा ही यूज़ होता है। कि देख सकते हो आप, मैं एक दिन बाद आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरीके से फूल चुका है, किस तरीके से निकल भी रहा है। और मैं क्या करूँगी, इसके सारे बीज हम लोग निकाल लेंगे, जो भी बीज है क्योंकि आंवला रीठा सिकाकाई तीनों में बीज होते हैं, और हम लोग इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। मिक्सी जार में पीसने जा रहे हैं इसलिए इसको बीज निकाल देंगे, नहीं तो हमारा मिक्सी जार जो है वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को पूरा निकाल लेना है सारे बीजों को, और बीजों को निकालने के बाद आप लोग को उसको पीस लेना है। ये देख सकते हो मैंने सारे निकाल लिए हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही पीसेगा, बहुत ही एक साथ ही मत पीसिएगा। अगर थोड़ा थोड़ा मात्रा में पीसेंगे तो अच्छे तरीके से पीसेगा, ज़्यादा पीस देंगे तो अच्छे तरीके से पीस नहीं पाएगा। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए हमारा पीस गया है, इसमें मैं डालूँगी नींबू। आप लोगों को मैं नींबू डालने का तरीका बताती हूँ, ऐसे ही हाथ करके डालिएगा, ऐसे क्या होगा कि जो बीज है वो आप लोग के सारे निकल जाएंगे। ये मैंने एक पूरे नींबू यूज़ कर रही हूँ, और एक पूरा नींबू यूज़ कर रही हूँ, और फिर इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ झोले वाली मेहंदी, जो कि मैं आप लोग को अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं आजकल हीना पाउडर जो है वो मैं झोले वाली मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। मैं नूरपुर हीना ये सब सारा नबल छोड़ चुकी हूँ, जो हीना पाउडर जो बेसिकली यूज़ कर रही हूँ वो मैं झोले वाली मेहंदी यूज़ कर रही हूँ। आपको मैं हर वीडियो में अपनी दिखा रही हूँ, तो क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही सही लग रहा है इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और जो कि मैंने 1 लीटर पानी डाला हुआ था आप लोग खुद ही देख सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा थिकनेस था, 1 लीटर पानी पड़ ही जाता है क्योंकि पीसने में भी पानी लगता है, फिर मिलाने में भी पानी लगता है, तो इससे ये हमारा पानी भी यूज़ हो जाता है, और उसी पानी से आप लोग करोगे तो ज़्यादा ही सही रहता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ओवरनाइट के लिए मैंने डिप मतलब करके रख दिया था, और ये मैं आप लोग को नेक्स्ट डे दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आप, नेक्स्ट डे हमारा अच्छे तरीके से इसका कलर छोड़ चुका है। ये मैंने आयरन की कढ़ाई में बनाया हुआ था, आप लोग खुद ही देख सकते हो लोहे की कढ़ाई में, और लोहे की कढ़ाई में बनाने से हमारा ये आयरन थोड़ा सा छोड़ दिया है। मैं इसको क्या करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और हम लोग इसको लगाने के प्रोसेस में चलेंगे। तो लगाने से प्रोसेस के पहले हम लोग उसी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इससे क्या होगा जितने भी हमारे लंग्स होंगे वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसको लगाने के प्रोसेस में चलते हैं। लगाने के पहले आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के बाल जो हैं वो सुलझे होने चाहिए, नहीं तो बाल धुलते टाइम आप लोग के बाल टूट सकते हैं। और जैसे गर्मी का टाइम जब रहता है या ठंडी का टाइम, और ठंडी के टाइम में डैंडर पड़ जाते हैं, गर्मी के टाइम में गर्मी बहुत रहती है, डस्ट की वजह से गंदगी हो जाती है, तो इसलिए आप लोग नींबू तो महीने में एक बार जरूर अपने बालों में यूज़ कर लिया कीजिए। अगर आप लोग कोई भी हेयर पैक लगा रहे हो तो उसमें नींबू, अगर आप लोग हेयर पैक भी नहीं लगा रहे हो तो भी आप लोग अगर चाहो तो नींबू और पानी को भी यूज़ कर सकते हो डायलूट करके। जैसे कि अगर आप लोग 1 चम्मच नींबू लिए हो तो 2 चम्मच, या फिर एक बराबर मात्रा में भी रख सकते हो, 1 चम्मच नींबू 1 चम्मच पानी, दोनों को मिक्स करके अपने बालों में लगा करके 1 घंटे छोड़ करके आप लोग नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर सकते हो, जो भी आप लोग शैम्पू यूज़ करते हो। जिससे कि क्या होगा कि जैसे कभी कभी ये होता है कि नहीं हम तो हेयर पैक नहीं लगाते तो हम कैसे लगाएं, तो आप लोग नींबू डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट डायरेक्ट यूज़ मत करना कभी, हमेशा पानी में डायलूट करके ही यूज़ करना, या फिर तेल में डायलूट करके। तेल में डायलूट करना चाहो तो उसको 2 घंटे रख सकते हो, पानी में डायलूट करके लगाओगे तो फिर सिर्फ 1 ही घंटे रखिएगा। इससे हमारे बालों के स्केल्स पूरे साफ हो जाते हैं, इसलिए नींबू तो आप लोग को 1 महीने में एक बार जरूर यूज़ कर लेना चाहिए। उसको मैं क्या करूँगी, इस तरीके से अपने बालों में लगा लूँगी, और लगाने के बाद जैसे कि मैं तो मेहंदी में यूज़ कर रही हूँ, आंवला रीठा सिकाकाई में यूज़ करें, तो मैं इसको 3 घंटे रखूँगी। अगर आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर, अगर सिर्फ नींबू पानी यूज़ कर रहे हो तो 1 घंटे, नींबू तेल यूज़ कर रहे हो तो 2 घंटे, और अगर हेयर पैक में मिला के लगा रहे हो तो 3 घंटे। इससे कब ध्यान दीजिएगा, और इसको हम लगाने के बाद हम 3 घंटे छोड़ देंगे। लगाने के बाद मैं आप लोग को बताती हूँ।
ये आप देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। और लगाने के बाद मैं इसको 3 घंटे छोड़ दूंगी। उसमें हमें क्लच वगैरह लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बालों में अगर हम जुड़े तरीके से लगाओगे तो ये खुद ही अपने बाल तरफ मतलब अपने तरीके से हो जाता है। अगर चाहो तो पन्नी से रैप कर सकते हो, जैसे अगर कुछ काम वाम करना चाह रहे हो कहीं गिर ना जाए इसलिए। और 3 घंटे के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 घंटे के बाद आप मेरे बालों को देख सकते हो। ये भी मैंने तेल नहीं लगाया है, सिर्फ 3 घंटे बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद आप लोग क्या करना है, रात ओवरनाइट तेल छोड़ देना है। चाहे आप लोग एक दिन छोड़ो, गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो सिर्फ रात ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए और मॉर्निंग में माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए अपने बालों को। और आप लोग इसका रिजल्ट मेरे कमेंट बॉक्स पर आकर जरूर शेयर करना। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।